हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिसी फार्मा जॉब्स। एक नए जॉब अपडेट, एक नए वैकेंसी अपडेट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ये फार्मासिस्ट की पोस्ट मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड से ये पोस्ट है, जिसमें डी फॉर्म और बी फॉर्म दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। कुल मिलाकर 8 पोस्ट यहाँ पर रहने जा रही है। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक जुड़े रहिए। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर रहने जा रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे कैसे पेपर्स यहाँ पर आएंगे, किस साइड से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से सेक्टर्स यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको कैसे यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। चलिए सबसे पहले तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर पढ़ते हैं। पहले आपको गूगल में पहुँच जाना है, सिंपल इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पहुंच जाना है और नीचे जैसे आप यहां पर स्क्रॉल करेंगे, कैरियर ऑप्शंस में ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर में आपको देखने को मिलेगा यहां पर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस कैटरीज, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें आपको यहां पर डिटेल तरीके से ज़रूर से एक बार विजिट करना है, ज़रूर से इसे एक बार देखते हुए चलना है। कुछ भी चीज़ आपसे यहाँ पर छूट ना सके, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन, बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट आए हुए हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं औषधि संयोजक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड की बात करते हैं तो 8, इस पर आपको ध्यान रखना है। मेनली जो पोस्ट कोड है उसके बेसिस पर ही आप आगे बढ़कर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, तो इस पोस्ट कोड को जरूर से ध्यान में रखेंगे। 8 नंबर पोस्ट कोड रहने जा रहा है और ये कुल मिलाकर यहाँ पर 8 पोस्ट रहने जा रही है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 8 पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रहा है 2 अप्रैल से और आज के डेट पे भी बहुत आपके पास समय है, इत्मीनान से आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 1200 रुपये देना रहेगा और वहीं अगर आप किसी कैटेगरी से, अगर ST ST OBC EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जस्ट इसका हाफ यानी 600 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे आपको ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करना है। तो देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से अभी हमने इसे स्टार्ट किया था उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है, बट अभी आज के डेट पर वहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल ओपन नहीं है। जैसे ही ये डेट आ जाएगी तुरंत ही वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे अवेलेबल होता है तो उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसका भी एक वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका पंजीयन का डेट स्टार्ट होने जा रहा है 2 अप्रैल 2024 से और लास्ट डेट रहने जा रहा है 30 अप्रैल। आपके पास अभी इत्मीनांग समय, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए देखेंगे पूरी डिटेल्स, यहाँ पर आपको देखते हुए चलना है। यहाँ पर देखिएगा पोस्ट कोड 3 पहुँचे 4 5 6 7 और 8, 8 यहाँ पर आपको पहुँचना है फार्मासिस्ट पर। यहाँ पर देखिएगा फार्मासिस्ट क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है, 10+2 होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, आप डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डी फॉर्म बी फॉर्म कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, तो ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर आप एलिजिबल बनते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को हमें देख लेना है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहने जा रहा है। ये कुछ एज लिमिट्स हैं, इनको भी आपको देख लेना है, एज लिमिट और उसके एज रिलैक्सेशंस आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। अब अपने कैटेगरी के हिसाब से आप अपने एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कैसा आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये आपको देख लेना है। नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए पहुँचना है और वहाँ पर आपको जाकर और डिटेल्स तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा चयन प्रक्रिया, यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले आपको फिल करना है और उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इस 100 क्वेश्चन में ध्यान रखना है 75 क्वेश्चंस आपके फार्मेसी सेक्टर से रहने जा रहे हैं और उसके बाद जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे वो नॉन फार्मा पार्ट से रहेंगे, जिसमें भी बेसिकली हमने बात किया अभिरुचि यानी एलिजिबिलिटी, जनरल रीजनिंग, जनरल एलिजिबिलिटी वाली चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है, तार्किक योग्यता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अपने नॉन फार्मा पोर्शंस को भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और नॉन फार्मा प्रिपरेशन के लिए आपको GDC क्लासेस ऐप पर बहुत सारे ऐसे कॉन्टेंट्स मिल जाएंगे,
बहुत सारी ऐसी टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं जो इन सारी चीज़ों में आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी। और अभी DSSB फार्मासिस्ट की सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर भी रेगुलर बेस पर आप वहाँ क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका नॉन फार्मा प्रिपेयर हो जाएगा और फार्मा आपको तो रेडी हो ही जाएगा, क्योंकि बेसिकली फार्मा तो आपको करना ही है। 75% आपके पूरे फार्मा के रहेंगे, तो ये तो आपको पता ही है फार्मा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आप सिंपली अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप DSSB की सीरीज जो हमारी यूट्यूब पर चल रही है मेन चैनल पर GPAT डिस्कशन सेंटर पर, आप उस यूट्यूब चैनल में जाकर सर्च करेंगे, DSSB की सीरीज आपको मिल जाएगी, वहाँ से सारे क्वेश्चन आप देख लें। लगभग यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। और ये आपको बता दूं, यहाँ पर 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, ठीक है। एग्जाम टाइम ड्यूरेशन रखना है ध्यान में, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। माइनस मार्किंग ध्यान रखेंगे 0.25 रहने जा रहा है। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर क्रेडिट होगा, अगर 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो -0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको जरूर से ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए, यही नोटिफिकेशन था और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडिशनली देख सकते हैं। सैलरी की बात यहाँ पर कर लेंगे, अच्छा खासा सैलरी रहने जा रहा है। यहाँ पर 4 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, 19,000 पर मंथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी बन जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी खासी बात है, क्योंकि आपके स्टेट में ही आपको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप ज़रूर से डाउनलोड करो और डाउनलोड करके पूरी डिटेल तरीके से इन्हें ध्यान से अच्छे तरीके से रीड आउट करते हुए चलना है। और एप्लीकेशन पोर्टल जैसे स्टार्ट होगा मैं एक एडिशनल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखती हुई चलनी है, ठीक है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद GDC फार्मा जॉब्स एंड थैंक यू ऑल।